गेम का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। वर्ल्ड के 15 मोस्ट एनिमेशन बनाने वाले ने हमारे छोटू के कार्टून को विजिट किया है और उसके गेम को ओके किया है। आखिर बेटा किसका है? अब तो आप मेरी पगार बढ़ा दोगे ना? भाई मैं इस वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट करूंगी और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगी। पागल है क्या? अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे दो, मैं करके दिखाता हूँ। देखो मैं करके देता हूँ। अरे मुझे ट्राई करने दे, ठीक से हो जाएगा। अरे देखो ये मुझे माँ, खुशी की बात है छोटू का गेम सिलेक्ट हुआ है। तुम रो क्यों रही हो? ये गेम की वजह से नहीं, पुरानी बातें याद आ गई। जब हम कोर्ट से लौट रहे थे उसके माँ बाप उसे मेरे हाथ में सौंप कर चले गए। उस दिन कृष्णाष्टमी थी। पिछले 17 साल से वो अमेरिका में है। हमेशा कहता है मुझे इंडिया आना है, इंडिया आना है, पर ये किसी न किसी बहाने से उसे वही रोक के रखे है, आने ही नहीं देते। जो हो गया सो हो गया, जल्दी आ जाएगा माँ। हाँ क्या बात है, सब लोग यहाँ एक साथ इकट्ठे क्यों खड़े हो? मैं तो सिर्फ इतना सोच रही थी कि मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आएंगे। गिफ्ट लेने की बात मत सोचो, ये सोचो कि हमें उसे क्या गिफ्ट देनी चाहिए। हम क्या गिफ्ट देंगे? ये उसकी शादी की बात कर रही है। उसके आने से पहले उसके लिए खूबसूरत सी बहू हमें सिलेक्ट करके रखनी चाहिए। वो यहाँ पर आ जाए तो उसे चाचा जी की जायदाद सौंप दूं और चिंता से मुक्त हो जाऊं। आमतौर पर किसी को जायदाद मिलती है तो वो खुश होता है। एक तुम हो, तुम्हें से परेशानी हो रही है। अच्छा बताइए ना चाचा जी कब तक आएंगे? यही जानने के लिए तो पंडित जी को यहाँ बुलाया है। ये लड़का भी है कहाँ? अमेरिका में। उसे वहीं रहने दो। क्यों? क्योंकि इस लड़के की कुंडली में शनि स्पीड ब्रेकर की तरह खड़ा है, साथ में राहु केतु भी हैं और शुक्र पर नो एंट्री का बोर्ड लगा है। इन ग्रहों की दशा ठीक होने तक इस लड़के का फ्लाइट से आना ठीक नहीं। सुना था अमेरिका जाने के लिए कुंडली में लिखा होना चाहिए, पर वहाँ से आने के लिए भी लिखा होना जरूरी है। सुनिए पंडित जी, मैं ये सब नहीं जानती, कुछ भी कीजिए पर इस बार मेरा बेटा घर आना ही चाहिए। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, विधि का विरोध किया तो उसके प्राणों पर संकट आ सकता है। Where is my daughter? वो अंदर है। Baby, come out, बाहर आओ बेटी। क्या हुआ? नहीं आई ना? Honey? तुम्हारे बुलाने से नहीं आई, लेकिन मैंने बुलाया तो आ गई। ओ हाँ, वैसे इसकी शादी हो चुकी है। क्यों इतना काफी है कि और प्रसाद दूं? जानते हो कौन हूं मैं? सुना है कि तुमने इसकी माँ को पटा के उसके पैसों से चीज फैक्ट्री खोली थी, उस चीज से बहुत पैसे कमाए। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे नक्शे के दम पर चलने वाली है। तुमने चीज फैक्ट्री बनाई तो इसने केक फैक्ट्री बना ली और फैक्ट्री का पहला केक बनके तैयार भी है। लाओ रे केक रेडी, टेस्ट करके देखिए, बताइए कैसा लगा। वेरी बैड। कम ऑन ब्रो। हां वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्ते अंकल। ये कौन है? तुम्हारा दामाद? दामाद? इस केक बनाने वाली कंपनी के मालिक का बेटा। ये सब क्या हो रहा है? मैं इनकी कहानी तो नहीं जानता, लेकिन रात को इनकी बातें सुनी। तुम्हारी बेटी को इससे प्यार हो गया था लेकिन तुम्हें बता नहीं पा रही थी, तो ये काम मैंने पूरा कर दिया। अब तुम्हारी शादी को अंकल ने खुशी खुशी कबूल कर लिया है। अरे अंकल जरा गाड़ी की चाबी दे। व्हाट? कम ऑन टेक दिस, तुम्हारे हनीमून के लिए डैडी की तरफ से गिफ्ट। थैंक्स डैड। तुम्हारी हनी हनीमून के लिए गई अंकल। तुम मुझे अच्छे लगे, अनजान लोगों के लिए ये सब किया। दूसरों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो अनजान ही क्यों ना हो, यही तो हमारा इंडियन कल्चर है। तुम इंडिया से बहुत प्यार करते हो। कुंडली दोष बताकर मैंने झूठ तो बोल दिया। मैं समझ नहीं पा रहा कि जब आपका पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा है तो सिर्फ आप ही उसे आने से क्यों रोकना चाहते हैं? आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो गया, आप जाइए। घर वालों को उसका इंतजार होगा,
पर जब तक मैं जिंदा हूँ वो इंडिया नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा था मेरी शादी इंडिया में ही होगी। शादी तो इंडियन से ही होगी, लेकिन वो लड़की अमेरिका में अपने चाचा के घर पर रहती है। कल वो तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं। क्यों वासु, तुमने बताया नहीं? मैं बताने ही वाला था, उससे पहले आपने बता दिया। चुप रहिए अंकल, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मैं इंडिया आना चाहता था तो कहा स्टडी कंप्लीट करो, फिर कहा नौकरी पर लग जाओ, उसके बाद कहा रिश्ता आने दो, अब शादी भी यहीं करवाओगे। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मुझे क्या देख रही हो, उसे बताओ प्रॉब्लम क्या है। वो तुम्हें थोड़ी देर इंडिया नहीं आना चाहिए, वो तुम्हारी जान को खतरा है, ऐसा कुंडली में लिखा है। कुंडली का बहाना बनाकर मुझे यहाँ रखकर आप परेशान करना चाहते हो। मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता चाची जी, मुझे वहाँ आने दो ना। तुम्हारी भलाई के लिए बेटा। समझाने का ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? उसकी शादी कब करनी है मुझे पता है, ये शादी होकर रहेगी, समझा दो उसे। बेटा। हाँ मैं समझ गया। का मतलब तो पार्टी होता है ना, तो मुझे एयरपोर्ट पे क्यों ले आया? हम अभी इंडिया जा रहे हैं यार। इंडिया जा रहे? इतना चौंक क्यों रहा है भाई, तुझे भी तो इंडिया जाना था ना। भरोसा नहीं हो रहा है, कल लड़की वाले आ रहे हैं ना, इसीलिए तो हम अभी जा रहे हैं। और तुम्हारे चाचा जो परेशान होंगे वो? उसमें वो क्या परेशान होंगे, परेशान तो यहाँ मैं हो रहा हूँ यार। अगर कुछ दिन और यहाँ रहा ना तो भूल जाऊंगा खुशी क्या होती है। पता है यहाँ चीजें कीमती हो सकती है, लेकिन हमारा इंडिया में लोगों की कीमत होती है यार। उन लोगों के बीच रहना और बात करना अच्छा लगता है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं बचपन से तेरे साथ हूँ, आज तक तेरी कोई भी इच्छा पूरी हुई है क्या? अरे यार तू फालतू में बकवास क्यों कर रहा है, मैंने फैसला कर लिया है, हम इंडिया जाएंगे। गवाही देने वाला सरदर्द बन गया है भाई। एक बार दुश्मन को छोड़ सकते हैं, लेकिन गवाही देने वाले को नहीं छोड़ सकते, उसे काट देना पड़ेगा। और जल्दी है, अब कहां जाएगा? बेचारे ने आगे जाने के लिए हॉर्न बजाया पर ऊपर पहुंच गया। मनुष्य के अंदर थोड़ा सब्र होना चाहिए, अगर उसमें सब्र ना हो तो उसकी ये हालत हो जाती है। हाँ भाई। भाई आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो इंडिया चला गया। ये क्या है, इंडिया जाना था ना, ये तो कहीं से भी इंडिया नहीं लग रहा है। ये इंडिया नहीं है पगले, ये यूरोप है, यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ के इंडिया जाएंगे। लेकिन दोस्त यहाँ भी अच्छे अच्छे लोग दिखाई दे रहे हैं ना। और ये रिंगटोन कैसी है, रोने वाली? सही कहा, इरिटेटिंग टोन है। अब पता नहीं इस बच्चे से क्या बात करेगा। क्या हुआ बेटा? ये चोटी देख, इसे देख के ये लगता है ये हमारी तरह हिंदुस्तानी नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं हिंदी में रो रहा हूँ। बाप रे, ये तो हिंदी बोलता है। बेटा रो क्यों रहे थे? मेरे डैडी खो गए, 5 मिनट का और 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। ओहो, तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? डैडी का नाम डैडी है। तुम्हारे डैडी कैसे दिखते हैं? मेरे डैडी डैडी जैसे दिखते हैं। ये कैसी बात कर रहा है तू? मेरी बात सुनो दोस्त, ये बच्चा जरूर छोटा है लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है, अब हमें और किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, चलो जल्दी। ए तू इधर बैठ, तू इससे बातें कर, मैं इसके डैडी को ढूंढ कर लाता हूं। एक्सक्यूज मी, बोलिए। ओ आप इंडियन है ना? हाँ। मैं समझ गया था आपका बेटा रो रहा है। मेरा बेटा कौन? वहाँ एक छोटा बच्चा डैडी डैडी करके रो रहा था, सोचा वो आपका बेटा होगा। कोई भी बच्चा कहीं भी रोएगा तो जो भी सामने आएगा उसे डैडी समझ लो। वो तो शक्ल देखकर लगा कि वो आपका बेटा है, लेकिन अब ठीक से देख रहा हूँ तो समझ गया कि आपका बेटा हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी, बॉटल तो उसके हाथ में है, तो उसका ढक्कन आपके हाथ में कैसे? ढक्कन हाथ में होने से उसका। सॉरी भाई, आप बुरा मत मानना, मेरे बेटे को ऐसे प्रैक्टिकल गेम बहुत अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं, विजुअल हंट की तरह फादर हंट गेम, हम सालों से ये गेम खेल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आप ही ने सही गेस किया। यू आर एन इंटरेस्टिंग गाय। बिल्कुल सही कहा, मेरा दोस्त हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेता है। ए तू चुप रह। ऑल द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय जेट एयरवेज आर इनफॉर्मड दैट ऑल द फ्लाइट्स आर कैंसल्ड फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तुम्हारे चाचा ने इंडिया आने से मना किया था, लगता है ये लोग भी उनसे मिल गए। वो कहाँ है मुझे तुरंत पता चलना चाहिए, उसके ऑफिस में जाओ, वहाँ नहीं है तो उसके दोस्तों से जाके पूछो, जब तक वो मिल न जाए तब तक कोई और काम मत करना। मालकिन आपका फोन है। कौन है? सुशीला देवी। कौन सुशीला? सिक्स पैक सुशीला देवी। सिक्स पैक सुशीला, जो कल 6 पैकेट अचार के मांग रही थी वही? हाँ, ना वही देना। सुशीला
कैसी हो तुम? आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। चाची जी, मैं आपको एक बात बताऊं, पर किसी से कहना मत। हाँ ठीक है, तुम बताओ। मैं इंडिया आ रहा हूँ। तुम आ गए? सुनो, डॉक्टर ने कहीं जाने से मना किया था ना, इसीलिए बोल रही हूँ। हाँ। अब डॉक्टर कहाँ से आ गया? ओ, सिद्धार्थ की बात कर रही हो। पता है यहाँ कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती है, एक बार यहाँ का खाना खाएगी तो भागकर इंडिया वापस चली जाएगी। खाना अच्छा नहीं है तो तुरंत मेरे पास आ जा, तुझे मेरे हाथ का पालक पनीर खिलाए, बहुत दिन हो गए हैं। पालक पनीर? हाँ पालक पनीर, तुझे उससे क्या? हाँ तो बोल। मैं आधे रास्ते तो पहुँच गया हूँ, लेकिन फ्लाइट की वजह से 3 दिन के लिए अटक गया हूँ। अच्छा, उसे पसंद हो या ना हो उसके लिए लड़की मैं ही पसंद करूंगा। लगता है चाचा जी का दिमाग खराब हो गया है, उनकी दूसरी शादी करवा के उनको कहीं दूर भेज दो, फिर घर में शांति ही शांति होगी। मुझे तेरे आने का पता नहीं था, फिर भी अचार बनाना शुरू कर दिया। कल जो आ रही है उसे पसंद करेगा या फिर ऑन द वे ही किसी को पसंद कर लेगा? दूसरे देश की लड़की? ओ, तुम्हारा मतलब इंडियन लड़की। ए सुशीला, अच्छी लड़की की तलाश में किसी पागल से शादी मत कर लेना, आजकल के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं है, याद रखना। आम की तरह होनी चाहिए। आम का अचार कैसे बनता है सासू माँ? तू काम करना, सुशीला मेरी बात समझ रही है। अबे आंखों से ही सब कर देगा। चाची ने पता है क्या कहा? हाँ? कि यहीं पर कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो। तो सोच क्या रहे हो, चलो चल के ढूंढते हैं। आंटी को बेबी कह रहा है। कुछ लोगों को हलवा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जलेबी अच्छी लगती है, मुझे हलवा पसंद है, और ये जो भी हो मुझे पसंद है। चिकिटैक चिकिटैक बेबी, आर यू रेडी? यस। दोस्त तुम यहीं रुको, मैं जरा ट्राई मार के आता हूँ। पल्लविज्म? फ्लाइट लेट हो गई इसीलिए आप लोग दुखी हैं? डोंट वरी, हर प्रॉब्लम का पल्लविज्म में परमानेंट सॉल्यूशन है। आपके अंदर पल रही फ्रस्ट्रेशन टेंशन को एक बलून के अंदर फूंक मार के भर दें, तो उस बलून के साथ साथ आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी छूमंतर होकर उड़ जाएंगी। तो ये है पल्लविज्म का प्रैक्टिकल पॉइंट नंबर 2। एक्सक्यूज मी, अब कैसा लग रहा है? उड़ गई, फूंक मारते ही उड़ गई। देखा ना, अब आप कितने खुश नजर आने लगे हैं। यही है पल्लविज्म का पावर। इस बच्चे को क्यों मार रहे हैं आप? अरे ये कोई बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा लुच्चा है। मेरी पत्नी से कह रहा था कि तुम बिना कपड़ों के उड़ोगी, सी यू न्यूड कह रहा था। क्यों रे, सी यू न्यूड कहा तूने? जब आपस में मिलते हैं तो सी यू न्यूड कहते हैं और ताली भी बजाते हैं। मैंने कह दिया तो क्या बुरा कर दिया? अरे सी यू डूड होता है, न्यूड नहीं, इसलिए इससे मार खानी पड़ी तुझे। भाई तुम्हें पता है मैं बीवी को साथ लेकर क्यों घूमता हूँ? 7 फेरों के समय वचन दिया था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या वचन दिया था? यही वचन दिया था ना कि जिंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा या साथ लेके घूमने का? अरे ओ पागल, पहले फेरे का वचन था कि बीवी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, दूसरा वचन था तेरे जैसे बदमाशों से लाठी मारकर बीवी को बचाऊंगा। इसी तरह हर फेरे का एक एक वचन होता है। ब्लैकबेरी, आई एक्सप्लेन देम अबाउट अवर रिलेशनशिप। अच्छा, योर अफेक्शन My satisfaction. Affection के बारे में जानता है, satisfaction के बारे में जानता है, लेकिन sorry का मतलब नहीं जानता। ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया इसने कि इस बच्चे की जान लेना चाहता है? ये बच्चा बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा ऐसा होता है? दोबारा अगर ऐसी हरकत की तो दोनों की जान ले लूंगा। ये डायलॉग मेरा है। कुछ भी हो जाए मैंने सोच लिया, उस ब्लैकबेरी को नहीं छोड़ूंगा। इट्स माय चैलेंज। मुझे अपनी पसंद की लड़की मिल गई है। तुम्हारे पसंद की लड़की? कौन है जरा बताना। एयरपोर्ट पर तो उसको देखा था, इन्हीं 3 दिनों में उसको पटाना पड़ेगा और ये मैं करके रहूंगा। 3 दिन में लव? इम्पॉसिबल। ये कोई गेम नहीं है। हेलो, अभी मेरे दोस्त का एक ही रूप देखा है, दूसरा रूप देखना बाकी है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही कहा तूने, मैंने पूरा गेम सेट कर दिया, बस मेरा साथ चाहिए। तो मैं भी खेलूंगा। थोड़ा बड़ा हो जा फिर खेलना। अंकल, इस गेम का नाम क्या है अंकल? ऑपरेशन पल्लवी। द गेम स्टार्ट्स नाउ। यस। लाइफ में होने वाली सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन इस पल्लविज्म बुक में मिल जाएगा। दिखता नहीं है तुझे, सामने श्रेया बैठी है। ए, तू मेरे साथ मजाक करेगा ना तो चलेगा, लेकिन श्रेया के साथ छोटा सा भी मजाक किया ना तो बहुत मारूंगा। कहा था ना तुझे खंडा लेकर, चल जा। ठीक है, मैं दूसरा लेके आता हूँ। सॉरी श्रेया। अरे मारा। स्टॉप, ये बताओ वो तुम्हें क्यों मार रहा था? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पास जो श्रेया बैठी है वही मुसीबत की जड़ है। अगर दोबारा उसने ऐसी गलती की तो जान से मार दूंगा। पर वहाँ तो कोई भी नहीं है। ये बात हम लोग जानते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसको नैनो बीमारी है, जो नहीं है उसी के बारे में सोचता है। नैनो बीमारी? मैं कुछ समझी नहीं। डिटेल में बताता हूँ, सुनिए। वहाँ बैठी श्रेया और मेरा दोस्त एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अपनी प्यार की निशानी को वो एक फोटो में समेटना चाहते थे, खूबसूरत फ्रेम बने। उसके लिए श्रेया को पीछे जाओ बोल रहा था, तभी श्रेया खाई में गिर के मर गई और ये पागल उसके ख्यालों में खोया हुआ है।
डोंट वरी, आई विल टेक केयर। मेरी पल्लविज्म बुक के पेज नंबर 36 में जो मंत्र लिखा है उसे अप्लाई करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। ए रुको रुको, दिखता नहीं है क्या? लड़की की गोद में बैठोगी? सॉरी श्रेया। ओके, तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? एक मिनट श्रेया, इसके यहाँ बैठने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके कह दिया, आप बैठ सकती हैं। थैंक यू। हाय श्रेया, आप दोनों लवर्स हैं ना? श्रेया, शी इज वेरी शार्प। तुम्हें कैसे पता चला? देख के ही पता चल जाता है। देखते ही पता चल गया? किसी के साथ ऐसा बर्ताव करना अच्छी बात नहीं है। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सर, वो जनरली लोग ऐसा ही कहते हैं ना, तो मैंने भी कह दिया। खैर छोड़िए, अपनी लव स्टोरी नहीं बताएंगे। इसे हमारी लव स्टोरी सुननी है। क्या कहा वो? शी इज अ वेरी गुड नरेटर यू नो। श्रेया तुम्हें याद है जब हम मार्केटिंग कर रहे थे तब एक पागल आकर मुझसे चिपक गया था? वही कहानी सुना दो इसे। कैसी लगी हमारी लव स्टोरी? खत्म हो गई क्या? वेरी क्यूट लव स्टोरी। आपकी लव स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा लगा। Lufthansa passengers, local trip has been arranged for you for 3 days. Those who are not interested can stay in hotel. क्या बात है? पल्लवी मैडम अभी तक नहीं आई? तैयार हो रही है। ओह, मेकअप कर रही होंगी। ए, बैग श्रेया के ऊपर क्यों रखा? हाँ श्रेया, खाली सीट पर रखा। दिखाई नहीं देता यहाँ कोई बैठा हुआ है? अंधे हो गए हो क्या? एक्सक्यूज मी, सुनिए, इस सीट पर कोई बैठा है या ये खाली है? यहाँ श्रेया जी बैठी है। मैंने समझाया तो समझ में नहीं आया, जब लड़की ने समझाया तो समझ गया। एक्सक्यूज मी, इस बच्चे को अपनी गोद में बिठाएंगे तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ? आइए बैठे का सफर होगा। आपको ये सीट खाली दिखाई दे रही है या इस पर कोई लड़की बैठी है? लड़की बैठी है सर। इसने सब पर जादू कर दिया है क्या? हाय डार्लिंग। हाय पल्लवी। आइए मैडम, आप यहाँ बैठिए। क्या बात है, आज श्रेया कहीं दिखाई नहीं दे रही? वो मेरी गोद में बैठी है। सर, क्या आपको ये सही लग रहा है? वो उसकी गर्लफ्रेंड है सर, कहीं भी बिठाए कुछ भी करे, हमें क्या करना सर? कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। बगल में सीट खाली पड़ी थी तो आपने श्रेया को गोद में क्यों बिठाया? क्योंकि जब सीट पर बैठती है तो कुछ बदमाश लाइन मारने लगते हैं। कौन? वो देखिए, छोटी आंखों वाला। क्यों भाई, देखने में तो चाइनीज लगते हो। आपको ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? अब चुप क्यों हो? डोंट वरी, मैं इसे संभाल लूंगी। आप रोमांस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये क्या, तुम तो पब्लिक में रोमांस करने की बात कर रही हो? मेरे कहने से पहले भी तो वही कर रहे थे। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है श्रेया, आई लव यू। आई लव यू श्रेया। श्रेया सुनो, पता है श्रेया क्या कह रही है? आई लव यू टू कह रही है। अभी श्रेया को कैसा फील हो रहा है पता है तुम्हें? मैं कैसे कहूँ कि आई लव यू कहने से कैसा फील होगा? फंस गई, फंस गई। लगता है चीनी को कहीं और डाइवर्ट करना पड़ेगा। सुनो, इस बस के अंदर हम जैसा दूसरा भी क्यूट कपल है, पता है कहाँ है? वहाँ है। मेरी ब्लैक, मेरी ब्लैक ब्यूटी हो। ए इडियट, यहाँ पर भी आ गया? ए तू यहाँ पर क्यों बैठा है? यहाँ से उठ जाऊंगा, पर मेरे दो सवालों का तुम्हें सही जवाब देना होगा। जल्दी पूछो। तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच। तुम हाँ कहोगी तो तुम्हारे पति को भी मार सकता हूँ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तू यहाँ से उठेगा या उठा दूँ? ठीक है, उठता हूँ। जिंदा रहा तो दोबारा कोशिश करूंगा। जल्दी जा। थैंक यू। रुकिए, श्रेया को आने दीजिए। आओ। So sweet. Happy birthday to you. Happy birthday to you. आज उस फ्रॉडी का बर्थडे है क्या? नहीं है। तो वहाँ केक क्यों कट रहा है? उसने नहीं काटा, श्रेया की हेल्प कर रहा था। श्रेया कह रही है पहले पल्लवी को खिलाऊंगी। श्रेया तुम्हें बहुत पसंद करती है। थैंक यू। श्रेया ने तुम्हें पहला केक खिलाया ना? अब तुम मुझे केक खिलाओ। हाँ, अपने हाथों से खिलाओ। आप उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे, उसको नैनो नाम की एक बीमारी तो है। मेरे पास भी डीवीडी है। मैंने डिसाइड कर लिया है, अपनी पल्लविज्म से मैं उसकी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगी। पल्लविज्म, पावर स्टार सलमान खान, गांधीवाद, ये सब तो सुने थे, ये पल्लविज्म क्या होता है? तो पल्लविज्म के बारे में नहीं जानते? नहीं जानता। जब मेरा 8वां बर्थडे था तब मेरे पिताजी मुझे एक बलून की शॉप में लेकर गए थे। तब वो बलून वाला मेरे लिए बलून फुला रहा था। ओके। फुला रहा था, फुला रहा था, और अचानक बलून फट गया। ये बलून फटने और पल्लविज्म का क्या ताल्लुक है? पल्लविज्म का पहला फॉर्मूला क्या है? वो भी बता दो। एक बलून के फट जाने से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, दुनिया में और भी बलून है, कोई दूसरा उठा लो। पागल वो नहीं है, तुम हो। क्या मतलब है तुम्हारा? वो इडियट है, पक्का फ्रॉड है, ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ। बेबी, रूम में वो फ्रॉड अकेला गया था या श्रेया के साथ गया था? श्रेया के साथ ही गया था। अच्छा, ये उसकी फीलिंग है। ये बात है, उसके कमरे में सीसीटीवी कैमरा है,
देखो, हर बैचलर की ख्वाहिश होती है किसी तरह से सिक्स पैक बना ले। वेरी शेयर धक धक करने लगा, डांस तो मैं भी कर सकता हूं, जलने लगा, सैया बैया देखता हूं और कितनी एक्टिंग कर सकता है तू। कब तक इंतजार कराओगी श्रेया? श्रेया, अरे जल्दी नहा के बाहर आओ ना। देख लिया, ये तुम्हें नाटक लग रहा है, अब ध्यान से देखो। देखो कुछ भी बोलते हो। अरे बाप रे श्रेया, तुम टॉवल में ही बाहर आ गई? नहीं नहीं, पास मत आना। देखो पल्लवी मैडम को ये सब अच्छा नहीं लगता। पल्लवी मैडम ने देख लिया तो बुरा मान जाएंगी, शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है। अरे भाई हमें भी पता चल गया। मैंने कहा ना अभी नहीं। श्रेया श्रेया सुनो मेरी बात, मानो, सिक्स पैक बने हैं उसे बने रहने दो। नहीं 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 श्रेया नहीं। क्या कर रही हो श्रेया, मेरे कपड़े क्यों फाड़ रही हो? ऐसे ही कपड़े फाड़ता रहा तो सब भाग जाएंगी। कंट्रोल श्रेया, ये तुमने क्या कर दिया श्रेया? क्या कर रही हो श्रेया? क्यों, कैसा लगा? कैमरा लगा के देख रहा था, और दिखाऊं क्या? बोलना देखना है क्या? अपने रूम में जा और ब्लैक ब्यूटी को संभाल। Don't hurt him. He's in love with me. Then who am I? You don't love me. How did you know? You want proof? How is the feeling now? Very cool. Then see this. Show. See this. This is love. This is love? Yeah. Hey. क्या इसी को लव कहते हैं? जान से मार दूंगा। ब्लैक ब्यूटी, डोंट बिलीव शॉर्ट फेलो। द ट्रेन इज गोइंग टू स्टार्ट, कम ऑन। सॉरी पल्लवी, श्रेया इस टूर में जाने से मना कर रही है, इसलिए मैं भी नहीं जाना चाहता। पर क्यों? बेचारी श्रेया को सुखाम हो गया है, मैंने मना किया था, फिर भी इस गधे ने आइस वाटर पिला दिया उसको। अब अकेली नहीं है वो, उसके पेट में बच्चा है, इसी वजह से वो यहाँ रहकर आराम करना चाहती है। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, श्रेया ने मुझे अभी अभी कॉल किया था। क्या? और मुझसे कहा कि किसी भी हाल में आप ये टूर नहीं छोड़ेंगे और आप मेरे साथ जाएंगे। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, उन्होंने दवाइयाँ दे दी हैं, वो आराम से सो रही है। अरे वाह, इतनी सी देर में आपने इतना सारा इंतजाम कर दिया, ये तो आश्चर्य की बात है। अब आप कुछ भी मत बोलिए, इस ट्रिप के खत्म होने तक मैं ही श्रेया हूँ। अरे हटो। वैसे तो मैं श्रेया को कभी डिस्करेज नहीं करता, लेकिन वो आपको एनकरेज करने की बात कर रही थी, तो इस ट्रिप में कुछ गलत ना हो इसकी जिम्मेदारी आपकी। मेरी जिम्मेदारी, कम ऑन लेट्स गो। अच्छे से पकड़ो ना। वाह कृष्णा जी, सही मजा तो आप ही ले रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ पल्लवी की मेहरबानी से, लेकिन एक छोटी सी कमी है। अगर टूर में श्रेया भी साथ होती तो और मजा आता, उसे पीछे बिठा कर यूं किक मारता। Shut up! Oh, what happened? श्रेया मर चुकी है। ये आप क्या बोल रही हैं? वो साथ रहती है तो मरी कैसे? मजाक मत कीजिए। ये मजाक नहीं है, वो सच में मर चुकी है। पल्लवी जी, ये क्या कह रही हैं? आपको ये बात कहते शर्म नहीं आती? ये कह रही है कि श्रेया मर चुकी है। तू तो फंस गया बेटा, अब क्या करेगा? तुम ज्यादा परेशान मत हो। क्या करूं? देखिए मेरी बात सुनिए। मैं बताती हूं, तुम दोनों उस पहाड़ पर चढ़े थे ना? हां चढ़े थे। और साथ में फोटो निकाल रहे थे। हां फोटो निकाल रहे थे। तब तुमने श्रेया से क्या कहा था? हां थोड़ा ऊपर जाऊं। उसके बाद? और थोड़ा? उसके बाद? और थोड़ा? फिर वो पहाड़ से नीचे गिर गई। श्रेया! और उसके बाद वो मेरा हाथ पकड़ कर ऊपर आई थी। वो ऊपर नहीं आई थी, तुम पागल हो गए हो, और वो मर चुकी है। मतलब मेरी श्रेया अब नहीं है? क्या कमाल की एक्टिंग कर रहा है वो। हाँ कृष्णा, तुम सब कुछ भूल गए, श्रेया आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरे दोस्त, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, पल्लविज्म में लिखा। अरे है बंद करिए अपना ये इलाज, सिक्स पैक बनाने वाले मेरे दोस्त को पागल बना दिया, पता नहीं क्या करेगा, मेरा दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में है, खुदकुशी ना कर ले, जाओ बचाओ। कृष्णा प्रसाद कहाँ हो? कृष्णा प्रसाद, तो तुम यहाँ हो, क्या कर रहे हो? अपनी श्रेया की यादों को हवा में उड़ा रहे हो ना? मैंने तुमसे जो झूठ बोला था उसे हवा में उड़ाना चाहता हूँ। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ बहुत बड़ा झूठ बोला है, श्रेया नाम की कोई लड़की है ही नहीं। What? मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, इसलिए पल्लविज्म के सहारे मैं तुम्हारे पास आ गया, लेकिन लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, यही ना? हाँ पल्लवी। ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? मेरे नजदीक आने के लिए तुमने मेरे पल्लविज्म को मिसयूज किया। पल्लवी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अब एक शब्द भी नहीं। कृष्णा, कृष्णा मेरे दोस्त, इसकी बात पर विश्वास मत कर रहा, तुम्हारी श्रेया अभी भी जिंदा है। सुबह सुबह मैंने उसे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, उसे जुड़वा बच्चे हुए हैं, वो बहुत सुंदर है। वो दोनों श्रेया की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे, और पल्लवी की भी। सब कुछ पता चल गया क्या? बस दो मिनट पहले। शट अप, एक बात याद रखो, आज से मैं तुम्हें नहीं जानती, आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, मैं अपने दिल से ही नहीं बल्कि तुम्हें अपनी यादों से भी निकाल दूंगी।
बहुत अच्छा इंसान है, उसके बारे में कुछ तो सोचो। मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। कहाँ है पल्लवी? पल्लवी, लगता है मैंने ज्यादा पी ली इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, मैं तो होश में हूँ। ये क्या तुम्हारा पल्लविज्म का नाटक है? मैं तुम्हें सच्चे मन से प्यार करता हूँ और तुम मुझसे नफरत करती हो। सब तुम्हें पागल समझते हैं। पता है तुम्हें कौन कौन पागल समझता है? सुन सकती हो तो सुनो, ये तुम्हारी सारी फ्रेंड्स। मैं ही तुम्हारे चक्कर में फंस गया। अगर कोई तुम्हारे पल्लविज्म को समझ सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, और कोई नहीं समझता। आज मैं अपने आप को बुलाने के लिए शराब पी कर आया हूँ। तुम्हें लगता है कि मैंने झूठ बोला? तुम क्या जानो एक लड़की को पाने के लिए लड़के को क्या क्या करना पड़ता है? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम उसका जवाब देना। अजीत सुनिए सुनिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर ऐसे पूछता तो आप क्या जवाब देती? चलिए जल्दी बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या जवाब देती? चला था हमारा, यही कहती ना। इसीलिए मुझे श्रेया के नाम का नाटक करना पड़ा, ताकि आपसे दोस्ती हो, आपके नजदीक आ सकूं। इसी झूठ की वजह से मुझे तुम्हारा साथ मिल सका। बात कहीं से भी शुरू हुई हो, लेकिन अब मैं तुम्हें दिल से प्यार करने लगा। थोड़ी और पी ले। चल रे, इतना अच्छे से बात कर रहा हूँ और तू बीच में शराब पिला रहा है। और पल्लविज्म में प्यार के बारे में क्या लिखा है? इसके बारे में नहीं लिखा। नहीं लिखा है तो अब लिख दो, नेक्स्ट जनरेशन के काम आएगा। सुनो, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर प्यार के बारे में कुछ अच्छा लिखते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ला पिला रहे। हाँ, ये ले पकड़, पीले और बोलता जा। तुम तो मेरी हो नहीं सकती, तो इसे तो दूर मत करो। मैं तुम्हारी हूँ, इसीलिए मना कर रही हूँ। क्या कहा? पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगी। सच में कह रही है भाई? ये ले पकड़। उस दिन लड़का देखने गया था उसे, कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है ना भाई साहब? नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये शादी सही वक्त पर उससे ही होगी। वो अमेरिका में रहता है, लेकिन वो मना नहीं करेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। जब आपने कह दिया तो मुझे कोई चिंता नहीं। मुहूर्त का वक्त हो गया है, मंगनी की रस्म पूरी कर ली जाए। हाँ, हेलो। हाय, जस्ट गेटिंग इनटू द कार। ठीक है, घर पहुंचते ही कॉल करता हूं, बाय। सुनिए भाई साहब, आप बाय रूट जा रहे हैं? हाँ, मैं वॉशरूम से होकर आता हूं, फिर साथ चलेंगे। हाँ जी। पता नहीं कहां रह गया भाई, जल्दी बता कहां है। हाँ भाई, कहां है वो? पैसे तो दो। अरे मैंने अपना काम कर दिया, पैसे दो। हट जा वरना मरेगा। हाँ। जय हिंद। अरे क्या कर रहे हो, ये पासपोर्ट क्यों फाड़ रहे हो? अरे अब अपने देश में आ गया हूँ और फिर कभी बाहर नहीं जाऊंगा, इसीलिए। ये क्या कर रहे हो? अरे चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, चलो 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 ड्राइवर। ये लो पियो। अब मुझे बताओ आखिर वहां पर हुआ क्या था? एयरपोर्ट के पब्लिक टॉयलेट में मर्डर हुआ था। क्या कहा? ये बात तुम्हें वहीं बतानी चाहिए थी। बता सकता था, लेकिन तब मुझे एक बात का डर था, वहां मेरा बेटा भी था, देखो कैसे खेल रहा है, अगर कहीं मुझे कुछ हो जाता तो। मेरी बात सुनो, टेंशन मत लो, टॉयलेट में जो हुआ उसे सिर्फ तुमने देखा था, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तो बस अब उस बात को भूल जाओ। अच्छा ये बताओ तुम्हें जाना कहां है? चित्तौर। चित्तौर? वो तो मेरे रास्ते में ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि आप ससुर जी के घर जाने के लिए तैयार हो गए। मैं ससुर जी के घर पे घर जमाई बनने नहीं जा रहा हूँ, अपने बेटे की खुशी के लिए जा रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, क्या मैं तुम्हारी पूरी कहानी जान सकता हूँ? अरे इसमें समझने जैसी क्या बात है, इन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। हाँ, तो
तिरुपति के पहाड़ों पर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी। फर्स्ट लुक में ही हम दोनों में प्यार हो गया। और घर वाले शादी के लिए नहीं माने, है ना? हाँ, क्योंकि मैं अनाथ हूँ। प्यार हो गया, शादी कर ली, हैप्पी फैमिली, फिर बच्चा भी हो गया, उसके बाद अचानक एक्सीडेंट। कई सालों बाद मेरी पत्नी ने अपने घर वालों से बात की और पता है उसने क्या कहा? मेरे पति का ख्याल रखना, उसका परिवार मेरे परिवार का इंतजार कर रहा था। ये उसी परिवार के साथ बड़ा हो, ये उसकी आखिरी इच्छा थी। यानी तुम्हें वहां जाकर अपने ससुराल के सब लोगों को कन्विंस करना है? इसकी जरूरत नहीं है, सासू माँ ने ये सब पहले ही कर दिया है। वो सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। इसे उस परिवार का हिस्सा बना दूं तो मेरा काम खत्म। मुझे तुम्हारी किस्मत से जलन हो रही है। खेल खेल में तुमने कैसे अपने परिवार को मिलवा दिया। मेरा खेल शुरू तो हो गया है, बस परिवार को मिलवाना बाकी है। अरे वाह, मेरी तरह आपकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है, पर हम लोग पहुंचेंगे कब? ब्लीडिंग हुई है और उसकी वजह से पेशेंट कोमा में चला गया है। पैसों की चिंता मत कीजिए डॉक्टर, आप बस इन्हें बचा लीजिए। सुन, मैं इसे लेकर इसके घर जाता हूँ और उन लोगों को सारी बातें समझा दूंगा। तब तक तुम यहाँ संभालो। क्या फालतू बात कर रहा है, घर पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसे छोड़ के तू इसकी प्रॉब्लम की बात कर रहा है। अपनी प्रॉब्लम को छोड़, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन तू ये नहीं समझेगा। रख, तेरे काम आएगा। अंकल, आपने कहा था डैडी डॉक्टर अंकल से मिलने गए हैं, लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? अरे हाँ, मैं एक बात कहना तो भूल ही गया, डैडी ने एक गेम खेलने को कहा है। कौन सा गेम? कौन सा गेम कहा था? हाँ, हम सबको नाना जी के घर जाना है ना, तो डैडी फर्स्ट आएंगे कि हम फर्स्ट आएंगे, यही गेम है। ये गेम तो बहुत अच्छा है अंकल, इस गेम को तो मैं ही जीतूंगा। तो शुरू किया जाए। भाई, ये तो कार से आए। ए, तेरे नाना जी का घर है, ये लो। अरे रुकिए, आप क्यों दे रहे हो जमाई जी, ये खालिया दे देगा, चलो दो। हाँ, कितना हुआ? Dari na ta na, dari na ta na, dari na ta na ta.
ये तेरे नाना जी हैं। हाय नाना जी, हाय फाइव। फाइव फाइव। सुनिए, आपका गेटअप तो बड़ा कमाल का है। ये धोती कुर्ता, ये मूछें, ये कोल्हापुरी चप्पल, वाह क्या बात है। अंडरवियर, हाफ पैंट, टाई भी पहनते हैं। सॉरी जी, मैं बताना भूल ही गया, एक्चुअली मैं आपका दामाद नहीं हूँ। एक वो दिन था जब मैंने अपनी बेटी से कहा था कि तुम मेरे दामाद नहीं हो, आज यह बात तुम मुझसे कह रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपका दामाद नहीं हूँ। आप इनके दामाद नहीं तो ये इनका नाती कैसे? ये इनका नाती जरूर है, लेकिन मैं इनका दामाद नहीं हूँ। शांत हो जाइए, कुछ दिन घुल मिल जाइए, फिर ये सब बातें कीजिए। अभी अभी तो आप आए हो और आते ही मजाक शुरू कर दिया। आप अंदर चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए, ये सब बातें बाद में करेंगे। आइए, मेरी बात तो सुनिए। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं। दामाद जी। मां जी आप बैठिए, क्या हुआ है इनको? अब क्या बताऊं, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। ये ऑपरेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कहती थी कि पहले अपने नाती का मुंह देखूंगी। लेकिन फिर इन्हें डॉक्टर ने समझाया कि नाती के आने तक जिंदा रहना है तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई, इसी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई, तभी से इसे वो दुख खाया जा रहा है। अब इसका दुख तो यही दूर कर सकता है। ये बच्चा आज से ही हमारे साथ ही रहेगा। अरे सुनो, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। हे भगवान, अब जाओ। कैसा लगा? बैठो बेटा। मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। आज जब सामने देख रही हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी ने तुम्हारी बहुत कम तारीफ की। पहली बार देखते ही किसी इंसान को आप कैसे पहचान सकती हैं? तुमने आते ही मुझे माँ कह के बुलाया, इतना ही काफी है। हमारी इच्छा थी तुम हमारे साथ रहो, पर तुम दूर रहे। लेकिन आज से इस परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य तुम हो। लाइफ का क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है छोटू। ये सब मुझे तुम्हारा डैडी समझ रहे हैं, पर मैं ये कैसे समझाऊं कि मैं वो नहीं हूँ। क्या कहा डैडी? क्या कहा तूने? डैडी कहा। इधर डैडी क्यों बोला मुझे? गेम के लिए। ये लोग नहीं जानते कि मेरे डैडी कौन है, आप कोई डैडी समझ रहे हैं, इसलिए डैडी के आने तक आप ही डैडी। गेम डैडी, गेम अच्छा है ना? गेम डैडी, देख बेटा यहाँ पर कितने कैरेक्टर है ये भी नहीं पता। तुम्हारे जीजा जी आ गए। जीजा जी आ गए, चल अब तो उड़ जा। जीजा जी को खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। समझा कर यार, उनकी हालत देखकर मुझे यहाँ रुकना पड़ा। तू कभी नहीं बदलेगा, कम से कम फोन करके अपनी माँ से तो बात कर ले। सुनो, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, मंगनी की डेट भी आ गई है। ठीक है, अगर मुहूर्त का दिन तय हो गया तो क्या हो गया, मैं आकर बदलवा दूंगा। ये बता, तू इंडिया पहुंचा कि नहीं? पहुंच तो गया हूँ, पर घर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों बेटा? शुभ काम करने जा रहे ना, तो मंदिर में दर्शन के लिए आया हूँ। अभी कौन से मंदिर में हो? नया मंदिर है, सत्यनारायण स्वामी, मेरे फेवरेट भगवान है। अरे बेटा, मुझे भी भगवान से कुछ मांगना है, जरा स्पीकर ऑन करो ना। छोड़ो ना चाची, बहुत पकाती हो। बेटा उन्हें कुछ सुनाना है। ठीक है, सुना दो। हे सत्यनारायण स्वामी जी, मेरे बेटे के आसपास भटकती दुष्ट शक्तियों को दूर कीजिए और हमेशा उसकी रक्षा कीजिए। सुनो बेटा, जरा घंटी बजाओ ना। घंटी बजाऊं? एक मिनट। जय भगवान, जय भगवान। अब सुनाई दे रही है? प्रभु, घंटी की आवाज सुन ली, अब ये मत कहना प्रसाद दो। अरे ये क्या है, फोन पे बात करते समय घंटी बजा रहे हैं? साइंस, घंटी साइंस। साइंस है ये, इसे समझाइए। जब हम फोन पे बात करते हैं तो मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जो कान से शुरू होती है और नाक से गुजरती हुई हार्ट तक पहुंचती है, और उससे बचने के लिए घंटी बजानी पड़ती है। यही साइंस है। इन मैग्नेटिक वेव्स को घंटी बजाकर नष्ट किया जाता है। मैग्नेटिक वेव्स गायब, घंटी भी गायब। गुड साइंस। क्यों रे, कुछ समझा कि नहीं? नहीं समझा। देख भाई,
सिनेमा में जब एक आदमी दूसरे को टक्कर मारता है तो एक गिर जाता है कि नहीं, हाँ। और एक गिर जाता है तो दूसरा खड़ा हाँ। रहता है, इसी को तो साइंस हाँ। कहते हैं बे। हाँ। अब तो समझ में आ गया ना? अच्छी तरह समझ गया। वो क्या है? लेकिन ये साइंस क्या है? ये सब कुछ तू नहीं समझेगा, जाकर गिन घर में फोन की घंटी कितनी बार बजती है। हाँ ठीक है साढ़ू साहब, चल के आप खाना खा लीजिए। बैठो, ये मेरी बड़ी बहन है रानी, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, काबिले तारीफ। मेरी बीवी है, इसके हाथ की बिरयानी खाओगे तो मोटे हो जाओगे। ये मेरी छोटी बहन है, सब्जी कमाल की बनाती है लेकिन मिर्ची ज्यादा डालती है। ये मेरे भाई की पत्नी है। अच्छी वो आ गए। आओ साले साहब, टाइम पर आए हो। ये हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? इसने शांति की शादी के लिए एक लड़का पसंद किया था, वो रिश्ता नहीं हो पाया इसलिए गुस्से में है। और शांति किसका नाम है? शांति को नहीं जानते? शांति तो मम्मी को कहते हैं ना डैडी। शांति, प्रशांति। जैसे आप लोग प्रशांति को शांति शांति कहते थे ना, वैसे ही मैं उसको प्रसु प्रसु कहता था। बच गए। ये मेरी दूसरी बेटी प्रिया है। हाय प्रिया। आपकी बेटी बहुत खुश लग रही है, अपने जीजा से शर्मा रही है। प्रिया तुम शर्माओ मत, मैं एकदम ओपन माइंडेड हूँ। क्या बताया था इसके बारे में? क्या ये हमेशा इसी तरह से शर्माती है? अब क्या बताऊँ प्रिया, माँ जो बन गई है। माँ कैसे बन गई? हाँ, मेरी बेटी शादी से पहले ही माँ बन गई है। बड़ी अजीब फैमिली है, इसके रंग ढंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? सिर्फ भैया को ही नहीं, जब से ये बात हमें पता चली है हम सब लोग भी इस बात से बहुत खुश हैं। पानी? ऐसी बात के लिए फैमिली मेंबर्स इसे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? प्रिया के माँ बनने के लिए सिर्फ आपकी हाँ की जरूरत है। ओ ओ ये माँ बनेगी शादी से पहले मेरे हाँ कहने से। मैं क्यों हाँ कहूँ? मैं इसे यहाँ लेकर आया ताकि ये अपने परिवार से मिल सके। बहुत खुशी हुई। खाने के बाद पहला शादी का इनविटेशन दामाद जी को ही देना। हमारी प्यारी बेटी सौभाग्यवती प्रिया। ओ प्रिया की शादी है। इस लड़की को अपनी आंखों पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, पता नहीं क्या होगा। कुमारी प्रिया और श्रीमान डॉक्टर अजय कुमार, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी। अरे वाह, वेडिंग कार्ड की वैल्यू के लिए पढ़ाई की थी क्या? आप लोग ऐसे चुप क्यों हो गए? मैंने कुछ गलत पढ़ दिया क्या? इसकी जिंदगी में दुश्मन बहुत होंगे। दुश्मन? अरे जमाई जी, आप अपनी ही डिग्री को वेडिंग कार्ड की वैल्यू के लिए बता रहे हैं, इसीलिए ससुर जी ऐसा कह रहे हैं। जी डॉक्टर अजय कुमार, पढ़ लिया मैंने, मेरी शादी है। गुड, वेरी गुड। बैड, वेरी बैड। तुमने आज तक जो कुछ भी किया है उसके लिए हमने गुड वेरी गुड कहकर तुम्हें इनकरेज किया है, लेकिन तुम हमें इस तरह डिस्करेज क्यों कर रही हो? मंगनी भी तय हो चुकी है लेकिन तुम ये समझने को तैयार ही नहीं। ये शादी मुझे मंजूर नहीं है। पल्लविज्म के पॉइंट नंबर 47 में लिखा है। चुप हो जाओ। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने ये रिश्ता पक्का कर दिया है। अमेरिका में सर्विस करने वाला कृष्णा प्रसाद ही इस घर का दामाद बनेगा। क्या नाम बताया? कृष्णा प्रसाद। कृष्णा प्रसाद, मुझे ये नाम पसंद है। आप ये शादी तय कर दीजिए। नाम पसंद है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। पल्लविज्म में ऐसे भी पॉइंट होंगे, शायद इसीलिए। रुको मैं आ रहा हूँ। हेलो कृष्णा है? फोन उठा। इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। तुम कौन हो और उसका फोन क्यों उठाया? ओए मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा नाम प्रिया है, समझ गई? उनकी होने वाली पत्नी हूँ। क्या क्या कहा? ला दे। किसी का भी फोन ऐसे उठा देंगे? मैनर्सलेस फेलो, गेट आउट। हेलो कौन थी वो? कहूंगा पागल थी तो मानोगी? नहीं मानूंगी। तो फिर बताने से क्या फायदा? पर वो तो कुछ और ही कह रही थी। इसी बात से समझ जाओ वो पागल थी। हाँ? पता है तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया? हाँ बताया था। लड़की का नाम है पल्लवी। हाँ? पल्लवी वो हाँ? तो तुम ही हो ना? जीजा जी बिना घंटी के फोन पे बात कर रहे हैं। अब तो खुश हो ना पल्लवी। ये साउंड कैसा है? ये दूसरा एक पागल है। वहाँ सब लोग पागल हैं क्या? तुम फोन रखो, मैं बाद में बताऊंगा। बंद कर, बड़ाया घंटी बजाने वाला। आप चाहे कुछ भी कहें, मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई है, मुझे भी साइंस सीखना है। आदत पड़ गई है ना? तो मार खाने की भी आदत डाल, अकल का दुश्मन। अरे मैंने प्रिया को नाराज कर दिया, नाराज होके पड़ी है। अब तुम मनाना पड़ेगा। ये क्या प्रिया, मैंने जरा सा डांट क्या दिया तुम तो रोने लगी। मान जाओ प्रिया। अरे बापरे, इसकी कमर तो बहुत खूबसूरत है,
अब क्या करूं, मनाना तो पड़ेगा। प्रिया इसे भी अभी पलटना था। क्यों जीजा जी, क्या हुआ? यही सोच रहे हैं ना कि कहां टच करने से मैं मान जाऊंगी। मैं बताओ कहां चुना है? कहां चुना है? लड़की को मनाने के लिए यहाँ टच करना चाहिए और उंगली से यहाँ ऐसे करना चाहिए। उसे उकसाने के लिए कमर को पकड़ना चाहिए और उसे मनाने के लिए मोड़ बनाने के लिए। वो कैसे करते हैं? वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा। मैं आपका दामाद नहीं हूँ, आपका असली दामाद अभी कोमा में है। आप ये लेटर पढ़ने के बाद मुझे फोन करेंगे तो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। सॉरी छोटू, मैं गेम बीच में ही छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा है। चाची जी, मैं घर आने के लिए निकल गया हूँ, चिंता मत कीजिए। बाय। क्यों भाई, रेलवे स्टेशन कहाँ है? मेरा घर, बड़ी शान से ये बातें करता है ना, तो घर क्यों नहीं गया? अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? क्या सोच रहा है? मुझे कैसे पता है? मेरा एक आदमी तेरे घर में है। भाई, वो घर से निकल चुका है। जब तुमने इस देश के एयरपोर्ट पे कदम रखा था, उसी समय तुम मरने वाले थे। उसके बाद हमने तुझे गाड़ी में मारने की कोशिश की। तुझे मारने के लिए मैंने अपना घर, अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। खत्म कर दो इसे। जान से मार दूंगा। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? इतने सालों से तुम्हारी वजह से मैं अपने देश में नहीं आ रहा था, बताओ। क्या है?
वो हमारे हाथों से बच के निकल गया भाई। तुमने कहा था उसका सर काट कर लाऊंगा, तो फिर वो बच कैसे गया? शर्माती है ये कहते हुए कि दोनों की रगों में एक ही खून बह रहा है। 17 साल से हर पल उसकी मौत का इंतजार कर रहा हूं। अगर तुमसे नहीं हो सकता है तो बता दो, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। एक मौका और दे दीजिए, या तो उसके मौत की खबर आएगी या मेरी मौत की उसके पहले मुंह नहीं दिखाऊंगा। हेलो, क्या हुआ बेटा? घर आने वाला था, अभी तक आया क्यों नहीं? इंडिया तो आराम से पहुंच गया, लेकिन घर आने में इतनी परेशानी होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। जल्दी आऊंगा। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तब रन आउट होना बहुत बुरा होता है। ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है। समझदार बने, तंबाकू से रन आउट होने से बचें। स्लिप्स में खड़े रहते समय मैं ध्यान रखता था कि मुझसे कोई कैच न छूटे, क्योंकि इसकी कीमत मेरी टीम को पूरे मैच से चुकानी पड़ सकती थी। आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू के सेवन की कीमत आपका जीवन हो सकता है। समझदार बने, तंबाकू से दूर रहें। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। उनका हाथों का दो छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। तुमने कहा था उसका सर काट कर लाऊंगा, तो फिर वो बच कैसे गया? 17 साल से हर पल उसकी मौत का इंतजार कर रहा हूं। लो बेटा। आंटी जी, बाहर के लोग इस घर के बारे में अजीब सी बातें कर रहे थे। अजीब सी बातें? हाँ, इसी घर के बारे में। क्या कह रहे थे? किसी से दुश्मनी चल रही है, किसी को मारने की बात कर रहे थे। आपको कुछ पता है? ये सब बातें छोड़ो बेटा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। सुनिए जी, एक बात बताएंगे? क्या पूछना है? हमारे परिवार के साथ किसी की दुश्मनी है क्या? तुम्हें क्या करना है, चाहे कुछ भी हो अपना काम करो। आ,
अंधों की तरह घुसे चले आ रहे हो, आखिर कौन हो तुम? अंधा मैं हूँ या तुम हो? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या मतलब? पता नहीं कौन है ये। कृष्णा, ए कृष्णा। मुझे नहीं पता। कृष्णा, ये यहाँ पर कैसे पहुँच गया? अरे बाप रे बाप, कितनी गर्मी है यहाँ। अरे वाह, आ गया मेरा छोटू उस्ताद। अंकल आप यहाँ तक पहुँच गए लेकिन डैडी नहीं आए। डैडी रेडी। एक मिनट भी मेरे बिना नहीं रह पाता, बचपन से ही ऐसा। चलो नाश्ता करते हैं। चलो चलो। मेरे दोस्त, ये बंगला देखते ही मैं समझ गया था कि तुम वहाँ क्यों नहीं आए, यहाँ क्यों रुके हो। मैंने फैसला किया है कि मैं भी यहीं रुकूंगा, क्यों? ठीक है ना? दामाद जी, ये कौन है? हम दोनों लंगोटिया यार हैं। लंगोटिया यार, इसने तो कहा था अनाथ है। ओहो, ऐसा कहा था क्या? हाँ भाई। जरूर कहा होगा। अनाथ है। जिसका कोई नहीं होता उसे अनाथ ही कहते हैं मेरे भाई। ये बात है। देखिए, ये भी मेरी तरह प्लेटफॉर्म पर ही रहता था। मैं राइट साइड में रहता था, ये लेफ्ट साइड में रहता था। हाँ हाँ, लेकिन आज से मैं यहीं रहूंगा। बड़ी अच्छी बात कही तूने। चलो मैं जरा इसे पूरा घर दिखा के आता हूँ। वेट वेट वेट, आंटी नाश्ते में मस्त वड़ा पाव और समोसा पाव बना के रखना, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा। मैंने कह दिया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। तू कब से कहे जा रहा है कि यहीं रहूंगा यहीं रहूंगा? इस घर को देखकर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? ताजमहल जैसा लग रहा है। क्यों रे? हाँ। तुझे याद है ना? हाँ। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमारे ऊपर रास्ते में अटैक हुआ था। हाँ बिल्कुल, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? जिसने अटैक किया था ना, ये वही है। अब बता घर कैसा? ये कब्रिस्तान लग रहा है। सब समझ में आ गया मेरे भाई, तुझको रहना है तो तू यहाँ रह, मैं तो अभी निकल रहा हूँ। अरे रुको तो सही, हम दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, यही बात तूने अंदर कही थी ना? अंदर जो बातें हुई उसे भूल जा। क्या कोई जिंदा इंसान कब्रिस्तान में रह सकता है? इससे पहले कि कोई मुसीबत है मैं जाके अपना सामान लेके आता हूँ। ये क्या है? लेटर। ये लेटर मैंने सच्चाई जानने से पहले लिखा था। प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र? मुझे लगता है आपकी बेटे के लिए लिखा होगा। बेटी के लिए लिखे प्रेम पत्र को मैं पढूं ये अच्छी बात नहीं है। लो तुम पढ़ो बेटा। पढ़िए ना। ये मेरी बहन के लिए प्यार का लेटर है, मैं नहीं पढ़ूंगा। इसकी शराफत देखी। जीजा जी, मुझे क्यों दे दिया? अरे मैं कैसे पढूं? पढ़िए। ये तो हिंदी में लिखी हुई है और मुझे हिंदी आती नहीं। मैंने है, मैंने तो ये इंग्लिश में लिखा था। तुम तो पढ़ी लिखी हो ना प्रिया, दसवीं क्लास तक। दसवीं? लो तुम पढ़ो। इसमें तो बड़ी सीरियस बात लिखी है, ये हंस क्यों रही है? लगता है इसे भी नहीं आता। अरे जल्दी पढ़ो। डी ई ए आर पी आर आई वाई डायपीरिया। मलेरिया और डायरिया तो सुना था, ये डायपीरिया क्या है? डियर प्रिया, ये क्या पढ़ रही है? आई पढ़ना नहीं आता तो छोड़ो। ससुर जी, इस जन्म में नहीं पढ़ पाएगी, स्कूल भेजने के लिए आप ही ने मना किया था ना। नाना जी, मुझे पढ़ना आता है, मैं पढ़ूं। इसको भी अभी बोलना जरूरी था क्या? छोटे बच्चे ये सब नहीं पढ़ते, समझ गए? सुनिए ससुर, ससुर जी मैं पढ़ूं? तुमने लिखा है तुम ही पढ़कर सुनाओगे, अच्छा लगेगा। शिवा आने ही वाला होगा, वही पढ़कर सुनाएगा। शिवा आ रहा है, वो कौन है? पर ये तो बताइए शिवा कौन है? अरे शिवा मेरी साली का पति है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा सैडिस्ट है। अरे चुप, सैडिस्ट नहीं, साइंटिस्ट है वो। अरे हाँ हाँ, वही वही। बोर्ड की तरह इसे दीवार पर चिपका दो। दीवार पर? हेलो, पल्लवी बोल रही हूँ, यहाँ पर बोर हो रही हूँ इसीलिए तुम्हारे घर आ रही हूँ, ठीक है? यस। कृष्णा प्रसाद से तुम्हें शादी करने वाली हो? हाँ, लेकिन तुम कौन? वो मेरा दुश्मन है, चल गाड़ी में बैठ। चल, छोड़ो, डाल दो इसे, ले जाओ। तुम उस लेटर का टेंशन मत लो, हम बाहर बैठकर ठंडे दिमाग से सोच। चलो भाई बाहर ही चलते हैं, यहाँ बहुत टेंशन है। तुम लोग हो कौन? मुझे किडनैप करके यहाँ पर क्यों लाए हो? बताओ कौन हो तुम लोग? ठंडा दिमाग ठंडा रखो। आपको मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारा होने वाला पति, उसे यहाँ बुलाने के लिए तुझे यहाँ लेकर आए हैं। और ये कौन है? ये मेरी बेटी का होने वाला पति है। What? जीजा जी, सुनिए जीजा जी, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, चलिए ना। रुको, ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? Don't talk! दामाद जी, आप चुप रहिए। ससुर जी, मैंने सब सुन लिया है, ये हमारे दुश्मन की होने वाली पत्नी है ना, मैं हैंडल करता हूँ। तुम मुझे हैंडल करोगे? I said don't talk. They don't know who I am. I stuck here. If you open your mouth,
They will cut my neck, cut my neck. Chichi, cut my neck. ये क्या हुआ? लगता है नाराज हो गए. हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है. I'll explain everything later. ये ससुर जी कौन है जानती हो? He doesn't know English at all. आपका दामाद बहुत पढ़ा लिखा है ना, इसलिए लड़की को सब कुछ इंग्लिश में समझा रहा है. That is our power. Use it. I beg you, I beg you, I beg you. तुझे पता है इंग्लिश में बैग का मतलब क्या होता है? मारूंगा होता है. अरे नहीं पता तो मत बताना. I beg you, please. अब क्या करेगा ये? अरे चुप हो जा, तू दिमाग मत लगा. जब तक वो मिल नहीं जाता तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी. अंदर चलो. ससुर जी. दामाद जी. जाओ. I'll explain everything later. इसने कुछ उल्टा सुल्टा किया तो मैं संभाल लूंगा ससुर जी. यही कहानी. लेकिन वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है. और कोई कुछ बताने को भी तैयार नहीं है. किसी और से क्यों नहीं पूछते? तुम्हारी वो किससे? वही सुनिए सुनिए करके तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी वही. और हाँ, इतनी जल्दी वो तुम्हारे इतने करीब आ गई. प्रिया, उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. प्रिया? प्रिया मतलब प्रेयसी. प्रिया, तुम्हारे बाल गुस्से में कितने लंबे हो गए हैं. बाल? प्रिया, तुम्हारी ये बालियाँ तुम पर कितनी अच्छी लगती हैं. बालियाँ? प्रिया, गुस्सा छोड़ दो तो जिंदगी में बाहर आ जाए. आओ एक गाना गाते हैं. प्रिया. जीजा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ प्रिया. बताइए क्या बात है? तुमसे एक पर्सनल बात करनी है. यहाँ भी तो बात कर सकते हैं. यहाँ पर सब देख रहे हैं. तो ऐसा कीजिए, आप जाकर खेत में मेरा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ. तो आज सस्पेंस का दी एंड. ये दोनों छुप छुप कर क्या बातें कर रहे हैं यार? देखो कितने मार क्यों रही हो. इंतहा हो गई. देख रही हो, अब वो लड़की के लिए गाना भी गाने लगा. क्या? चुप रहो. अरे बाप रे, ये तो सुहागरात की पूरी तैयारी करके आई है. देखो देखो, अब यहाँ भूकंप आने वाला है. मैं तो कहता हूँ निकल चलो. चुप रहो. कंट्रोल. बैठिए. ये क्या है? कहीं आपको काटा ना चुभ जाए इसलिए. अरे रुको रुको, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुमसे एक छोटी सी बात पूछनी थी. पूछना नहीं, समझना चाहिए. पता है ना प्यार क्या होता है? नहीं नहीं, ये नहीं. अच्छा, तुम्हारे घर वालों की किसी के साथ दुश्मनी है क्या? क्यों? और अगर दुश्मनी है तो उसकी वजह क्या है? इसके लिए बुलाया था क्या? नहीं, किसी ने बताया था ऐसे गाल छूने से लड़की को अच्छा लगता है. तुम्हें भी अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगेगा तो क्या बता दूंगी? सहलाने से क्या बता दूंगी? तो क्या करने से बताओगी? अभी बताती हूँ. मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा. ये क्या कर रही हो? किस करके बताओगी क्या? ठीक है, किस करो तो बता दूंगी. लगता है आज कन्हैया बनना ही पड़ेगा. अब सोच क्या रहे हो? भाई ने कमर पे हाथ रख दिया तो समझो काम हो गया. मेरे दादाजी का गांव में रुतबा था, उनकी बात कोई नहीं डाल सकता था. हर कोई अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता है, लेकिन मेरे दादाजी ने अपने बेटों को कत्ल करना सिखाया. वो चाहते थे उन्हें कुछ आए ना आए, पर कत्ल करना आना चाहिए. मेरे दादाजी का एक दुश्मन था नागराज. दादाजी के डर से वो भाग गया था, लेकिन कुछ साल बाद वो अचानक गांव आया. तब देखना मत. बाय चाचा. बाय बेटा. स्टूडेंट्स, ये कौन है आप जानते हो? आपके सामने मारे गए उस नागराज का बेटा है ये. आप लोग सच बोलेंगे उसके बावजूद इसके पिताजी वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर इसके पिताजी का कत्ल करने वाला आराम से बाहर घूमता रहेगा तो शायद बदले की भावना से ये क्रिमिनल बन जाए. लेकिन उसे सजा मिलेगी तो इसे खुशी मिलेगी और कानून पर इसका भरोसा बना रहेगा, ये अच्छी जिंदगी जी सकेगा. दुनिया में दूसरों को खुशी देने से बढ़कर कोई और दूसरा अच्छा काम नहीं हो सकता.
सुनो एसपी, तूने अगर मुझे छुआ तो तेरी वर्दी उतरवा के रास्ते पे खड़ा कर दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर। किसी ने उस आदमी को मारा। वेरी गुड, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कृष्णा प्रसाद। तुम्हें अरेस्ट करने की बात पूरे शहर को पता चलनी चाहिए। एसपी, चल। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू एसपी। तू मुझे अच्छी तरह से जानता नहीं है। जिले का एसपी शंकर दादाजी को गिरफ्तार करने के लिए बहुत सालों से मौका ढूंढ रहा था और नागराज के कत्ल के बाद उसे ये मौका मिल गया। गांव वालों के दिल से इतना खौफ मिटते देखकर दादाजी सहन नहीं कर पाए। बाबूजी, पिताजी, बाबूजी, पिताजी, उस एसपी को मार के मेरे पास ले आना। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। उस कृष्णा को भी मत छोड़ना। मुझसे वादा करो, वादा करो। उस लड़के के माँ बाप कोई भी नहीं है। उसकी हिफाजत करने का वादा मैंने अपने भाई से किया हुआ है। उस बेचारे को छोड़ दो प्लीज। मैंने मरते समय अपने बाबूजी से वादा किया था कि मैं उसे हर हाल में मारूंगा। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उसे मेरे हाथों से नहीं बचा पाऊंगा। मेरी एक बात सुन लो, मैं उसे ढूंढने पाताल तक भी जा सकता हूँ, लेकिन वो एक दिन खुद मेरे पास आएगा। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, कहीं पर भी छिपा दो, मैं उसे जरूर मारूंगा। बेटा, तुझे और थोड़े दिन वहां रहना है। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम यहां मत आना। हेलो चाची, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। चाचा जी घर पर हैं क्या? वो तो अभी बाहर है बेटा। चाचा जी से बात करने का बहुत मन कर रहा है। तुझे पता है ना वो कितने गुस्से वाले हैं। बात कराओ ना। ठीक है देती हूँ। सुनिए जी। हाँ। फोन। हेलो। हाँ। चाचा जी। ए, ये बता तू है कहाँ? तू फोन भी नहीं उठाता। मैं एक प्रोजेक्ट में फंस गया था। शादी से बड़ा हो गया है क्या तेरा प्रोजेक्ट? तुम्हारे हाथ पैर बांध कर उस लड़की से तेरी शादी करवा दूंगा, क्या समझा? चाचा जी, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ए, ये क्या प्यार वार की बात कर रहे हैं? पता है मुझे तू मुझे मस्का लगा रहा है। मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगा और ये बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ठीक है चाचा जी, आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। थैंक्स चाचा जी। थैंक्स? किस बात के लिए थैंक्स? मेरी जितनी चिंता आप करते हैं उतनी मैं खुद की भी नहीं करता। आप मेरे भगवान हो, थैंक्स तो कहना ही चाहिए ना। इनकी पूरी दुनिया इस छोटे से गांव में सिमट कर रह गई है। इनकी जिंदगी दुश्मनी निभाने में कटती जा रही है, यही इनकी प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम को भूल गए तुम, जो दूसरों की प्रॉब्लम की बात कर रहे हो यार। देखो, अगर हमारी प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना है तो इनकी प्रॉब्लम को खत्म करना होगा। इनकी प्रॉब्लम को तुम कैसे खत्म करोगे? अब इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें इनको समझाना ही पड़ेगा। उनसे बोलेगा तो जान से मार देंगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है। डार्लिंग, मैं आ गया। हाथ फैला के आ गया, कुछ लाया तो होगा नहीं। ये कभी नहीं सुधरेगी। नमस्ते भाई साहब, मैं आ गया। नमस्ते। आओ आओ श्री राम, आओ।
इतने साल अमेरिका में रहने के बाद भी तुम हमेशा ये याद रखते हो कि इंडिया में भी तुम्हारे अपने लोग रहते हैं और सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर। ये तो आपका बड़प्पन है। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब आपके लिए गुड न्यूज है, आते वक्त मैं ओबामा से मिलकर आया हूँ। आपके दुश्मन को पकड़ने के लिए फटाफट पैसा खर्च किया है मैंने। अगर हम 25 लाख रुपए खर्च करें तो उसे अभी इंडिया ला सकते हैं। अमाउंट 25 लाख से ज्यादा ही होगा क्योंकि डॉलर्स में पैसे बढ़ जाते हैं ना। डॉलर्स तो 40,000 ही होंगे। ये बता अभी वो कहाँ पर है? अमेरिका में है भाई साहब। अपना मुंह बंद रख बेवकूफ, वो इंडिया में आ चुका है। आ गया से फेंके जा रहा है कि ओबामा से मिलकर आया हूँ। मुझे बेवकूफ समझता है? तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। ए, कोयता लेकर आओ, जान से मार दूंगा इसे। रुकिए भैया, मुझे जानता नहीं है। इन्हें मारने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे बचा लो। इन्हें मार देंगे तो प्रिया का लेटर कौन पढ़ेगा? देखिए आप इस बार इन्हें माफ कर दीजिए। हाँ, अगली बार गलती करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रिया, लेटर लिखने वाला महान इंसान कौन है? ये यहाँ पर कैसे? तुम? दामाद जी। ससुर जी। ससुर जी, क्या तुम इसे जानते हो? इन्हें कौन नहीं जानता ससुर जी, ये अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं। रिसेंटली ब्लैकबेरी बनाया है। अच्छा पीस बनाया है, मस्त पीस है लड़कियों के लिए। ब्लैकबेरी? हाँ भाई साहब, सैमसंग नोकिया की तरह ये भी एक स्मार्ट है। क्यों भाई, बाहर ब्लैकबेरी और घर में एप्पल जूस है ना? ब्लैक ब्यूटी साइंटिस्ट साहब, ठीक है ना? पहचाना? ये भी हमारे दुश्मन की होने वाली बीवी। हा? दुश्मन की बीवी? और ये बताओ कौन है? मैडम का बेटा है क्या? नहीं, मेरा बेटा है। ब्लैकबेरी क्या है बता दूं? अरे बस करो यार, मैं सब समझ गया। सबको बुला लो, अब ये प्रेम पत्र पढ़ेगा। प्रेम पत्र? इसमें जो कुछ लिखा है उसे एज इट इज पढ़ना है। एज इट इज पढ़ना? डियर प्रिया, मतलब प्रिय की प्रियतमा प्रिया, प्रिया आई एम नॉट द सन इन लॉ ऑफ दिस हाउस, मैं इस घर का दामाद नहीं हूँ। एज इट इज पढ़ने को कहा था तो एज इट इज क्यों पढ़ा? आपका बेटा हूँ, मैं इस घर का हिस्सा हूँ। आगे पढ़ो। योर सन इन लॉ इन कोमा, आपका दामाद इस वक्त कोमा में है। As it is. घबराइए मत, कोमा का मतलब वो वाला कोमा नहीं, कोमा जैसे फुल स्टॉप होता है ना, वैसे ही कोमा। ये दामाद जी कोमा, सासू माँ कोमा, जीजा जी कोमा, हम सब कोमा की तरह मिलकर रहे तो हमारी जिंदगी कितनी हसीन होगी। तो हम सब की खुशहाली के लिए हम सब घर वालों को एक साथ रहना चाहिए। कोमा समझ में आ गया ना? ये सब कैसे लिख दिया? बहुत प्यार करते थे दामाद जी, प्यार में सब कुछ चलता है। बताओगे तुम्हारे प्यार के लिए मैं क्या करूं? देखो मेरी शादी होने वाली है, शादी को गोवा में शिफ्ट करा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर तुम्हारी बात कोई मानेगा भी। वो मेरी बात जरूर मान जाएंगे, आज ही ये शादी गोवा शिफ्ट करवाता हूँ। आई लव यू यार। थैंक यू भाई। क्या कहा, शादी गोवा में करवाएं? हाँ भाई साहब, इसे ही डेस्टिनेशन मैरिज कहते हैं। डेस्टिनेशन मैरिज मतलब? अब आप लोग तो ठहरे गांव वाले, मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। डेस्टिनेशन मैरिज का मतलब शहर से पैसे ले जाकर किसी अच्छी सी जगह पर रहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर नाचना गाना बजाना और शादी करने के बाद हंसी खुशी वापस आ जाना, ये है डेस्टिनेशन मैरिज। शादी वहाँ कैसे हो सकती है, कार्ड भी बन चुके हैं, अब तो शादी यहीं होगी। अचानक गोवा में शादी कराने की बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? अब इन्हें क्या बताऊं? अरे भाई साइंटिस्ट, आपने डेस्टिनेशन मैरिज के बारे में बता दिया पर उसकी वजह नहीं बताई। आपने जो मुझे समझाया था यही आप इन लोगों को समझाइए ना। ये भी तुम ही बता दो। ससुर जी, आपने अपने दुश्मन को यहाँ तक लाने के लिए उसकी होने वाली बीवी को पकड़ के रखा है, पर वो यहाँ आया क्या? नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ आकर मरना नहीं चाहता। लेकिन अगर शादी गोवा में होगी तो सोचेगा, ओहो ये लोग शादी के लिए आए हैं इसलिए इनके पास हथियार नहीं होंगे और अपने साथ गुंडों को भी नहीं लाए होंगे, तो वो आराम से लड़की को छुड़ा सकता है, तब उसे आसानी से हम मार सकते हैं। दामाद जी की बात में दम है, सब लोग गोवा जाने की तैयारी करो। अभी तैयारी करता हूँ भाई साहब। सुनो रघु, हमारा आदमी शंकर अभी गोदाम के पास होगा, उसे यहाँ आने के लिए कहो। मुझे तुम पर तरस आता है।
मैं बचपन में ही विदेश चला गया था, तभी से तुम लोग मेरे वापस आने का इंतजार कर रहे हो। इतना इंतजार तो फैमिली भी नहीं करती। सच बताओ, इतना प्यार करते हो? आज मेरे पिताजी की आत्मा को जरूर शांति मिल जाएगी। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। ये क्या, शांति की बात करते हो, मारकाट की बात करते हो? दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? भाई मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा भाई। मेरा नाम कृष्णा है और कोई मुझे छू भी नहीं सकता। क्या भाई, हम इसे मारने के लिए आए या ये हमें मारने के लिए आया? भागो भागो भागो, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। भाई ये मोबाइल ले लो, पर मुझे छोड़ दो। और कुछ है? मेरे पास इसके सिवा और कुछ नहीं है। पर भाई एक आइडिया है, इसे डायल करके छुपे हुए गुंडों को बाहर निकाल सकते हैं। हो इसे फोन लगाता हूँ। अब इसे फोन लगाता हूँ। अरे ये मैंदी, ये तो रॉन्ग नंबर है भाई, आप चाहो तो देख लो। तूने देख लिया ना? और कौन कौन बाकी है? अरे भाई बाकी है, पर लगाना तो पड़ेगा। चाइना बोले लो भाई, रिंगटोन बहुत तेज करता है। ये लो भाई, ये सब रख लो और मुझे जाने दो। तुम्हारा काम कर दिया, अब मैं चलता हूँ। मार मार के कमर तोड़ दी उसने। टेंशन मत लो भाई। फोन है भाई, बैटरी फुल चार्ज है, बात कर लो। छी, तुम्हारे इस फोन से मैं फोन नहीं कर सकता। क्या भाई, एक ही तो फोन बचा था, उसे भी तोड़ दिया। फोन नहीं लग रहा, फिर से लगा। अब छोड़िए भी, आप तो जानते हैं वो कितना बड़ा शराबी है, उसे ढूंढने जाएंगे तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। अब चलिए भी। करो करो भैया। हाँ। छोटू बार बार पूछ रहा है कि डैडी कहाँ है, डैडी कहाँ है। डैडी को ढूंढ रहा है, पर उसके डैडी तो यहाँ है। वो छोटू मेरे बिना रह नहीं पाता, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। आप लोग चलिए। बाहर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी। नहीं, तभी जाऊंगा जब डैडी जाएंगे। अगर डैडी यहाँ पर आए और हम सब लोग उन्हें नहीं मिले तो? पता है तुम्हारे डैडी सीधे गोवा आने वाले हैं। तुम्हारे डैडी से मिलवाने के लिए तो सबको गोवा लेकर जा रहा हूँ। इन्हें देखकर डैडी सरप्राइज और डैडी को देखकर ये सरप्राइज, कैसा रहेगा? बेकार। ससुर जी। क्यों, अगर डैडी नहीं जाएंगे तो क्या तुम भी नहीं जाओगे? हाँ। पर ससुर जी। डैडी चलेंगे। डैडी आ रहे हैं ना? तो चलो फिर, हम चलते हैं। डैडी गोवा में मिलेंगे ना? जरूर आएंगे बेटा, चला जा। ओके। क्या मुसीबत है। रुपा, 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 रुपा,
बकूफ, चल क्या बकवास कर रहा है। उसमें है शबाब है, जवानी की शराब है, ये जिंदगी है, जिंदगी में मस्ती। ये क्या बात हुई, आपने कहा था गोवा में मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे, और अब मंदिर जाने की बात कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? शादी से पहले मंदिर तो जाना चाहिए ना। मुझे नहीं जाना है, आप लोग जाइए मंदिर। ए, सुनो पल्लवी, रुकिए रुकिए, भाई साहब ये लड़की सही कह रही है, हम बदले या ना बदले लेकिन हमारे रहन सहन और कपड़ों में बदलाव आना ही चाहिए। तथा वैसा ही हो रहा है, 11 बजे तक तो सब सोते रहते हैं, फिर नहा धो के तैयार होने में शाम हो जाती है। आज के दिन भी कहीं घूमने जाएंगे, आज क्या करेंगे, हम खाने के लिए कहां जाएंगे? अच्छा तुम्हें क्या पसंद है बताओ, तुम्हें क्या हुआ? इतने सालों से आपके साथ हूँ, हमेशा आपके मुंह से ये सुना ये करो वो करो, लेकिन आज पहली बार सुन रही हूँ कि बताओ तुम्हें क्या पसंद है। ये क्या, ये कैसी हरकतें कर रही हो? मैंने सोचा था तुम्हारे साथ बैठकर इत्मीनान से बातें करूंगा, और तुम लाइट बंद कर रही हो। आपने पहले तो कभी इस तरह की बात नहीं की, आते ही लाइट बंद करने के लिए कहते हैं। ये क्या जी, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो? मैं 9 महीने बाद तुमसे मिल रहा हूँ, कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उठाओ लुत्फ जिंदगी के सारे यार, ले लो जिंदगी का हर मजा, देख लो ये जिंदगी है कितनी हसीन यार, नफरतों को छोड़ो नफरतें हैं बेवजह। अपने दुश्मनों को खुश देखकर बहुत खुशी हो रही है ना? हाँ यार, इन्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भाई याद रखो, तुम इस समय इंडिया में हो, इसलिए यूएसए वालों की तरह मत सोचो, इन्हें यहाँ लाके मौज मस्ती कराने से हमारा काम नहीं बनेगा। इसकी चिंता तू मत कर, अब मैं इनका देसी इलाज शुरू करूंगा। देसी इलाज? क्यों ससुर जी, बहुत मजा आ रहा है ना? हे दामाद जी, बचपन में गाँव के कुएं में तैरता था, आज गोवा के समंदर में। शायद अब गोवा आने का मकसद भूल गए हैं ससुर जी। वो कैसे भूल सकता हूँ, दुश्मन को कभी नहीं भूल सकता। आपका दुश्मन अभी भी यही है। हे दामाद जी, ये क्या कह रहे हो? तो और क्या कहूँ मैं, उससे बदला लेने के लिए हम इतनी दूर यहाँ तक आ गए, और आपको तो एंजॉयमेंट से फुर्सत ही नहीं। ये खुशियों में खलल डालेगा, भाई साहब को गुस्सा आना शुरू हो गया। अब ये मत कहना कि आपने अपने दुश्मन को माफ कर दिया। चलो जल्दी से निकल चलो, नहीं तो मार खानी पड़ेगी। चल चल, हम एंजॉय करते हैं। अब पानी में खेलना बंद कर दीजिए। नाना जी, सच बोलना गलत बात है क्या नाना जी? hey, सच बोलना बुरी बात है, मैंने कहा था ना, फिर नाना जी से क्यों पूछ रहे हो? सच बोलने में कोई बुराई नहीं है दामाद जी। बुराई नहीं है तो 20 साल पहले एक बच्चे के सच बोलने पर आपके पिताजी क्यों मर गए? और अगर बुराई नहीं है तो सच बोलने वाले उस बच्चे को मारने के लिए आप लोग इतने सालों से क्यों ढूंढ रहे हैं? फिर इसे सच बोलना क्यों सिखा रहे हो? hey, आइंदा अगर कभी सच बोला ना तो मैं तुझे मार दूंगा। चलो, बड़ा आया सच बोलने वाला। पता नहीं ये दामाद जी को क्या हो गया है। अब तू कम कर रहा है ना? कौन है ये लोग? हम लोग कहाँ आ गए भाई? कुछ समझ पता नहीं आ रहा। पहुंच गए भाई, ये कौन सी जगह है? अरे ससुर का गांव है। मुझे खाने दे। हम लोग कहाँ पर हैं? मुझे क्या पता, चल बोल तो। अपने तो कुछ लोग यहाँ पर छुछुरापन कर रहा है, बहुत बदबू आ रहा है। हेलो, सुनिए माँ जी, मैं और आपका कृष्णा बचपन के दोस्त हैं, वो घर पर आ गया है क्या? हो तो बात कराइए। नहीं बेटा, वो गोवा गया है। गोवा में कहाँ गया है? पता नहीं बेटा, इतना पता है गोवा में किसी की शादी। वो इंडिया आ चुका है भाई, वो आपके घर वालों के साथ गोवा चला गया है, और हमें रोकने के लिए उसने ट्रेन में बंद कर दिया। उसे पकड़ने के लिए हम लोगों को भी गोवा जाना पड़ेगा। हम सब गोवा जाएंगे। क्या भाई, पहले खुद ही कहते हो कि दुश्मनी भूल जानी चाहिए, फिर खुद ही उन्हें दुश्मनी याद दिलाते हो। दूध को दही बनाने से तो छाछ मिलेगा। ये सब बातें मेरे समझ में नहीं आती। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये दुश्मनी अब खत्म हो जानी चाहिए। इतना आसान नहीं है, पहले इनका एक नकली दुश्मन क्रिएट करना पड़ेगा। तुम्हारी शक्ल का एक और आदमी? या ये दुश्मनी खत्म करने के लिए इन लोगों के दिल से नफरत मिटाकर प्यार भरना होगा। ये लोग 17 साल से अपनी खुशियों का गला घोटते आ रहे हैं, और हम इन्हें इस बात का एहसास करवाएंगे। ये तब होगा ना जब कोई आएगा।
ये लो भाई पैसे। एक मिनट। हे लकी बेगर, क्या बात है, तुम्हारे जैसा दरिया दिल कोई तो नहीं होगा। तुम तो फादर टेरेसा हो। थैंक यू। क्या रे, अरे कम ऑन, चल बेटा। अरे वाह भाई, आप तो रियल हीरो हैं। यू आर सन ऑफ सुनामी। टाइटैनिक के हीरो लग रहे हो। या ये लो पकड़ो। वो तो उसे छोड़ के भाग गया यार। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा, मुझे जिस नकली दुश्मन की तलाश थी वो यही है। लेकिन क्या वो हमारी बात मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। पर हम मनवाएंगे। कैसे मनवाएंगे? फेसबुक। हाय सुपरमैन, यू डिड माइंड ब्लोइंग एडवेंचर। माय डियर, फेसबुक पर तुम्हारी पोस्ट देखकर मैं बिल्कुल पागल सी हो गई हूँ। तुम्हारा तो जवाब नहीं। तुम जैस्मिन से चैट करते हो, मीरा से चैट करते हो, एक बार मुझसे भी चैट करो ना, क्योंकि मुझे तुमसे रोमांटिक बातें करनी है। हाय स्वीटी, वेयर आर यू राइट नाउ? हाय डार्लिंग। ए नमूने, कौन हो तुम? अरे ये तो वही पागल है। वाओ, ये सपना है या सच है? पिंच मी। ये तो सच है। तुम फेसबुक से बाहर निकलकर मेरे सामने आ गए हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं ना तुम्हें ही फॉलो करती हूँ। मैं रिक्वेस्ट भेजूंगी, तुम एक्सेप्ट कर लेना। तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा जब मेरे फॉलोअर्स तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। लेट्स हैव वन सेल्फी, कम। ओके। हूर के संग लंगूर, लड़की पागल है क्या? पैकअप के टाइम पे मेकअप कर रहा है क्या? तो अब क्या करेंगे? अबे जोकर पिटेगा। क्या कह रहे हैं लोग? दे हैव हैप्पीली एक्सेप्टेड यू। ये क्या, ये बुड्ढा उसका लवर हो ही नहीं सकता। अब हम दोनों लवर्स हैं। लवर्स हैं? अब सही वक्त आ गया। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि लाइफ क्या होती है। भाई साहब, आपको जिस मकसद से गोवा लेकर आया था वो पूरा हो गया। वो रहा हमारा दुश्मन, देखिए। आई लव यू, आई लव। सब हमें देख रहे हैं। लेट देम गो टू हेल। क्या यही हमारा दुश्मन है? इसकी हाइट तो बहुत कम। दुश्मनी की वजह से आपको छोटा लग रहा है? आपके आगे उसकी औकात ही क्या है, इसीलिए आपको बौना दिख रहा है। आग में घी अच्छा डालता है। उसके बाप की उम्र का लग रहा है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, बुड्ढा नहीं है वो यंग है। बुड्ढे का गेटअप बनाया है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। That's it. ये उसका लॉजिक है। तुम जाओ। Okay. I will go. जाओ। But I cannot forget you. वो लोग इसे मारने के लिए आ रहे हैं यार। Bye. Bye. जाओ। बेवकूफ कहीं पकड़ा ना जाए। कहाँ गया? क्यों ससुर जी, आपको दुश्मन मिल गया? आपने उसे खत्म कर दिया ना? नहीं दामाद जी, वो भाग गया। इतने सारे लोग थे फिर भी कैसे भाग गया? हमारी फोटो निकालकर भाग गया। बिल्ली आंख बंद करके सोचती है, उसे कोई नहीं देख रहा। इसका क्या मतलब? साइंस। यहाँ पर आने के बाद आप और आपका पूरा परिवार आलसी हो गया है। मुश्किल से एक चांस मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। जाइए ऐश कीजिए, अब वो कभी नहीं मिलेगा। वो जरूर मिलेगा। कैसे? क्योंकि उसके चाचा चाची उसे ढूंढने जो आए हैं। अरे बाप रे, ये कहां से आ गए? एक्सक्यूज मी, यहाँ पर डेस्टिनेशन मैरिज कहाँ? सॉरी, आई डोंट नो। अरे सुनिए राव साहब, कैसे हैं आप? और आपका लड़का कैसा है? बचपन में उससे छोटी सी गलती हो गई, आप अभी तक उस बात को दिल से लगा कर बैठे हैं? सुनिए जी, आपका भी परिवार है, आपको उस पर जरा सी भी दया नहीं आती? आप मुझे नहीं समझ पाई हैं। अरे वो बात तो मैं कब का भूल चुका हूँ। हाँ भाई, ये लोग बदल गए हैं, इनके कपड़े देखकर पता नहीं चलता आपको? हम लोग यहाँ पर अपनी बेटी की शादी के लिए आए हैं, लड़का भी साथ है। ये है दामाद जी। दामाद जी, ये हमारे बहुत करीबी है। दा
दामाद जी? हाँ, हमारा नाम अजय है। ये क्या बोल रहा है? अरे डोंट टॉक। दामाद जी, इज्जत से। ससुर जी, प्लीज डोंट टॉक। दे डोंट नो दैट आई एम योर सन। ये क्या कह रहे हो बेटा? I said shut up यार। हाँ? They also don't know that I am your son-in-law. If they know, they'll cut my neck. I think they'll start from you. दामाद जी अचानक इंग्लिश में क्यों बात करने लगे? अबे तो जानता नहीं, वो गुस्से में अच्छे इंग्लिश बोलते हैं। अरे बेटा तुम तो वो। Mother, would you please understand my problem? Please leave from here. Later on, I'll explain everything to you. सुनिए सुनिए, मेरे दामाद जी आपको अपनी शादी के बारे में सारी बात इंग्लिश में बताएंगे। बद्री जी, ससुर जी, इनके रहने का बंदोबस्त करो। अच्छा ठीक है, चलिए। ये सब क्या है बेटा? चाची जी आप चिंता मत कीजिए। चाचा जी बस एक कोशिश करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, वक्त सब कुछ बदल देता है। ये बात उन्हें भी समझ में आएगी। अब तुम इंडिया छोड़कर नहीं जाओगे, वादा करो मुझसे। सुनो, गोवा के कोने कोने में जाके उसे ढूंढो, पकड़ लो उसे, बच के जाने ना पाए। जहां भी दिखे उसे वहीं के वहीं खत्म कर दो। जाओ जल्दी जाओ। ये शादी की पार्टी है या दारू की पार्टी है? कैसे लोग हैं ये, शादी के नाम पर पैक चढ़ाए जा रहे हैं। हाँ जी। और वो सेल्फी वाला मिस यू बोल के किस पर किस भेजता जा रहा है, ये देखो। इसका कुछ करो कृष्णा। इसने मुझे परेशान कर रखा है कृष्णा। तुम उसके लिए परेशान मत हो, मैं अभी यहाँ पर ऐसा हंगामा करूंगा कि वो सब लोग टेंशन में आ जाएंगे। फाइनल गेम स्टार्ट्स नाउ। पार्टी में अच्छा खाना मिलेगा सोचकर आज खाना ही नहीं खाया। hey! तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ससुर जी के साथ बैठकर शराब पीता है और साथ में स्नैक्स भी खाता है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ दामा जी, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? ये हमारा दुश्मन है। ये बातों को इधर से उधर घुमा क्यों रहा है? असली दुश्मन तो यही है, तो ड्रामा क्यों कर रहा है? दामा जी ये कुर्सी तो खाली है ना? कुर्सी पर तो कोई नहीं बैठा। खाली कुर्सी है तो यहाँ कोई भी बैठेगा। तुम यहाँ बैठे हो, शराब पी रहे हो। बाप रे। तो तुम हो। दामाद जी, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। ससुर हूँ मैं तुम्हारा। ससुर जी, मूछ वाले। ससुर जी हैं। दुश्मन भी शराब पी रहा है। रोना बंद कर बे। क्या भाई जी, तुमने यहाँ पर भी नाटक शुरू कर दिया? तो दुश्मन यहाँ तक पहुँच गया। ये वही है, कंफर्म। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई फालतू बात की ना तो तेरा टैटू दबा दूंगा। नहीं छोड़ूंगा। वो रहा मेरा दुश्मन। ए दुश्मन, तू मेरे ससुर के साथ बैठकर शराब पी रहा था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये तो मेरा दुश्मन नहीं है। ये क्या कह रहे ससुर जी, अभी तो आपने कहा था कि हमारा दुश्मन है। दूर से देखने पर तो ये वही लग रहा था, पर ये वो है नहीं। ए, अपना चेहरा दिखा, ये तो वो नहीं है। ससुर जी, आपको भी मेरी तरह सबके चेहरे में अपना दुश्मन दिखने लगा है क्या? मेरा भाई, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, फिर भी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दामाद जी, मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं है। चल कामयाब। अकल के अंधे, मौत के मुंह में वापस क्यों आ गया? मैं मौत के मुंह में नहीं आया, लव के मुंह में आया हूं। ये लव स्टोरी नहीं है, रिवेंज स्टोरी है। क्या बोला? रिवेंज स्टोरी? तुमने उसके भाई को मारा है तो वो बदला नहीं लेगा क्या? मैंने उसके भाई को कब मारा? वो सेल्फी याद करो। वो उसका भाई था? नहीं तो क्या वो लावारिस था? तो अब मैं क्या करूं? याद है तुमने उस लड़के पर हाथ रखा था? लड़की वाली सेल्फी याद करो। ये उसकी वाइफ है? नहीं, कीप। कीप है, समझ गया। उसके लिए रिवेंज ले रहे हैं तब तो बात समझ में आती है। अब बता, कोई ये सब चीजें सोशल मीडिया पर देखकर बर्दाश्त करेगा?
अब अगर तू थोड़ी देर भी यहाँ रुका ना तो सेल्फी लेना भूल जाएगा, इतनी मार पड़ेगी। बस अच्छी तरह से समझ गया, मैं चलता हूँ। आईने में मुझे दुश्मन जैसा क्यों दिख रहा है? लगता है चढ़ गई है। ओफो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से देखना पड़ेगा। ससुर जी, पता नहीं क्या हो गया है, जिसे भी देखता हूँ मुझे उसमें अपना दुश्मन नजर आता है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा दामाजी। मुझे हमारी प्रॉब्लम समझ में आ गई ससुर जी। हमारे दिलो दिमाग पर और जहन में जो बदले का भूत घुसा हुआ है उसे निकालना होगा। अगर हम उसके बारे में इसी तरह से सोचते रहेंगे तो हम पागल हो इसका जाएंगे। कोई इलाज नहीं है क्या दामाजी? है ना ससुर जी। वो क्या है? हम सबकी मौत। क्या आप मरना चाहते? तो फिर हमें दिल से नफरत को निकालना होगा। ये तुमने ठीक कहा। सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रख लीजिए, उसके बाद आंखें बंद कीजिए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं है। 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 हो गया, अब आंखें खोलिए। अब आईने में मुझे अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा है, है ना? तुम आदमी नहीं फरिश्ते हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इतने दिनों से मैं भी तो आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा था। इसी पल से मैं अपनी दुश्मनी भूल जाता हूँ। मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब मुझे वो दिखाई देगा तो मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि अब अगर वो मुझे दिखाई दिया तो सीधे उसकी गर्दन काट दूंगा। ये तो फिर से उसी पटरी पर आ गए, पूरी मेहनत बेकार गई। मैं हूँ प्रिया। अच्छा तुम हो। आज तक तो मैं समझ नहीं पाई कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। अच्छा, लेकिन आज अपने पिताजी को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो आप मिले। अच्छा। ये क्या समझ गए? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरे सामने ये सब कर रहे हो? हाँ? पहले वहाँ देखो, अब यहाँ संगीत शुरू होगा। भाई, भाई की बेटी से कृष्णा की शादी हो रही है। ए, जल्दी चलो। तुम जरा पकड़ना इसे। पकड़ती हूँ। क्या हो रहा है ये? सोचा था मेरी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ होगी, लेकिन उसकी शादी तो किसी और के साथ हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, मेरा बेटा संभाल लेगा। छोटू, क्या हुआ तुम्हें? अंकल, मुझे मेरे डैडी चाहिए। अंकल, मेरे डैडी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। अंकल, पिछली बार भी आपने कहा था कि डैडी आएंगे। इस गेम को बंद कर दीजिए अंकल। ठीक है, बंद कर दूंगा। तो मेरे डैडी आ रहे हैं ना? वो आ रहे हैं बेटा। थैंक यू अंकल। माय डैडी इज कमिंग। माय डैडी इज कमिंग। ये मेरे डैडी आने वाले हैं। क्या हुआ छोटू? मेरे डैडी आ रहे हैं नाना जी, मेरे डैडी आ रहे हैं। असली डैडी? अंकल गेम खेल रहे थे, अब गेम खत्म हो गया इसलिए मेरे डैडी आ रहे हैं। कैसा गेम? आप नहीं जानते ना, मैं दिखाता हूँ। ये है मेरे डैडी और ये मम्मी और ये गेम अंकल। डैडी का नाम क्या है? अजय कुमार। और गेम डैडी का नाम क्या है? कृष्णा प्रसाद।
इसके टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। सुनो बेटा, ये आदमी हमारा दामाद नहीं है, ये वही है जिसकी वजह से पिताजी की मौत हुई है, कृष्णा प्रसाद। हे भगवान, ये क्या होने जा रहा है यहाँ पर? इन लोगों की सोच बदलना इतना आसान नहीं है। मेरी बात मानो, तुम ये देश छोड़ दो। कहाँ जाऊं चाचा जी, कितने सालों से आप मेरी हिफाजत के लिए परेशान हैं, कब तक भागेंगे? आज नहीं हो पाया तो कभी नहीं होगा। ससुर जी पहले मेरी बात। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ससुर बोलने की? बचपन में मेरे हाथों से बच गया था और आज तू मेरी बेटी से शादी करने के लिए आ गया। दुश्मनी खत्म करने की बातें करके सबको बेवकूफ बना रहा था। तूने क्या सोचा था देश छोड़कर चला जाएगा तो हम दुश्मनी भूल जाएंगे? हमारे अंकल बहुत अच्छे इंसान है। कम से कम इस बच्चे के खातिर है सही, सच बताना ये सब तुमने क्यों किया बेटा? हे भगवान, आओ छोटे आओ। इतने सालों से जिसे मारने के लिए भटक रहे थे वो आज हमारे सामने है, इसे मारकर अपना बदला लेना है। छोटे काट डालो इसे। ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इसे नहीं मार सकता भाई। भाई अगर ये हमें मारना चाहे ना तो यहां एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। पागल हो गए हो या दिमाग खराब हो गया है? ये हमारा दुश्मन है, बेवकूफ बनाकर हमारे घर में दामाद बनकर घुस आया। दामाद जी की जान भी इसी ने ली है। ये जान लेने वालों में से नहीं है छोटे, जान देने वालों में से है। दुश्मन को मारने के चक्कर में मैंने खुद अपने ही हाथों से दामाद को मार दिया होता। जब मैं और मेरे आदमी इसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे तभी दामाद जी मेरे सामने आ गए। तुम? मैं आपका दामाद हूँ। दामाद हो? जानते हैं मुझे मौत के मुंह से किसने बचाया था? जिसे आप मारना चाहते हैं, कृष्णा प्रसाद ने। मेरे कोमा से बाहर आने के बाद वो मुझसे मिलने आया था। ये तो जानता हूँ कि वो गाँव के जमींदार है, लेकिन दुश्मनी के बारे में नहीं जानता, और दुश्मनी कैसे खत्म होगी ये भी नहीं जानता। अगर हर आदमी यही सोचता रहेगा तो दुनिया से कभी नफरत खत्म नहीं हो पाएगी। हमें इस सोच को ही बदलना होगा। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं उनका दामाद बनकर जाना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है मैं इस दुश्मनी को मिटा सकता हूँ। कहाँ गया तुम्हारा यकीन? ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। क्या कहा था आपने कि मैं इस छोटे से बच्चे के लिए सच बोलूं? आज से 17 साल पहले मैंने एक सच बोला था, तब मैं भी एक बच्चा था आंटी। इतने सालों में आप लोगों ने किया ही क्या है? सिर्फ दुश्मनी ही तो निभाई है। तब से मेरे परिवार के लोग परेशान रहते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। कोई फायदा नहीं, इन सब लोगों के होने के बाद भी अनाथों की तरह रहना पड़ा मुझे। मैं चाहता था कि इसे मेरी तरह ना जीना पड़े, माँ बाप नाना नानी सबके साथ चैन से जिए, इस पर दहशत का साया ना हो, इसे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बुराइयों से बचाकर एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था इसे। शायद मैं गलत सोच रहा था। जब देखो सब दुश्मनी की बात करते रहते हैं और मैं आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। हाँ, मैं दुश्मन हूं। आपने बिल्कुल सही कहा था चाचा जी,
इंडिया सपनों में ही खूबसूरत लगता है, हकीकत उससे उलट है। अब मैं आपकी हर बात मानूंगा चाचा जी, आप जो कहेंगे करूंगा। सच में मैं वापस चला जाऊंगा। पर एक बार अपना घर देखना चाहता हूं। बेटा मैं तुझे कहीं नहीं जाने, तू घर चल हमारे साथ। इतने दिन बाद तू रहा, अब नहीं जाने। खुशी देने के लिए अपनी खुशी की परवाह नहीं करनी चाहिए।